हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने और अभी 11 बज रहा है। ब्रेकफास्ट में बना है ये सैंडविच और इसके साथ है केचप। तो सैंडविच हमें बहुत पसंद है। जब भी अगर आलू का मिक्सचर रहता है, आलू के पराठा अगर बनता है, तो फिर अगर उसका मिक्सचर रहता है नेक्स्ट डे, तो हम दीदी से बोलते हैं हमको सैंडविच बना के खिला दो। सैंडविच हमको बहुत पसंद है और ये सिंपल सैंडविच, ये वेजिटेबल वाली नहीं, बस उसमें आलू है और उसमें कुछ नहीं है, वही हमको बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, सुबह से बाबू बहुत डांट खा रहा है। एक्चुअली इसको इतना मोबाइल यूज़ करना पसंद हो गया, जैसे आजकल नॉर्मली इस जनरेशन के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वो लोग अट्रैक्ट होते हैं मोबाइल के लिए, वैसे उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। दिन भर सोचता है बस एक मोबाइल मिल जाए, कुछ करता नहीं, बस वीडियो देखता रहता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है वीडियो देखना, तो उसी पे खूब बढ़िया से डांट खा रहे दीदी हमेशा। दिन दिन भर उसको डांटती रहती है, जैसे ही फ़ोन यूज़ करता है तुरंत उसको डांटती है। तो अभी हम बोले उससे, दीदी उसको डांट रही थी तो रोने लगा आके, फिर हमसे रोते रोते कह रहे मेरी चप्पल। उसको ये नहीं था कि दीदी डांटी, दीदी मारी, उसको ये सब मतलब नहीं था, बट मेरी चप्पल, उसकी एक चप्पल वहाँ छूट गई थी, तो उसको उसकी फिक्र थी कि मेरी चप्पल कहाँ चली गई। आज बाबू डांट खाया था। कौन डांटा था? मम्मी डांटी थी। क्या बोली थी मम्मी? अच्छा, क्यों डांटी थी ये बताओ। हाँ, मोबाइल यूज कर रहे थे। हाँ, मोबाइल यूज कर रहा था इसलिए। अब फिर यूज करोगे? हाँ, फिर यूज करेगा तो फिर मम्मी क्या करेगी? मम्मी मारेगी, ये पता है मम्मी मारेगी। लेकिन हाँ, और ये भी तुमको डांटी है क्या? उपमा, उपमा भी डांट दी, मम्मी भी डांट दी। हम डांटे थे कि नहीं बेटा? हम कहाँ डांटे थे यार। आज लगता है आराधना पूरा छत साफ कर दी है, पौधों में पानी डाली है, इसलिए पूरा छत ही भीग गई है। वहां से लेके यहाँ तक पूरी छत एकदम भीग गई है। आज घर पे मम्मी बहुत ही डिलीशियस खाना बनाई है। खाने में है दाल चावल, एकदम बढ़िया सा देशी भोजन है। दाल चावल और रायता, बूंदी का रायता है, और सब्जी है, चटनी है, और बस यही है, मस्त सा खाना है। तो अभी 2 बज रहा है और हम लंच करने जा रहे हैं। अभी जब खाना निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मतलब ये खाना तो हमको बहुत ही पसंद है। बाहर का जो भी पनीर, मटर पनीर, मशरूम तुम खाते ही नहीं, पनीर भी नहीं पसंद है, हमें यही सब खाना बहुत पसंद है जो एकदम सादा सिंपल बढ़िया होता है। तो ये खाना बना है, चावल, रायता, दाल, ये आलू और ब्रोकली, और उसमें गोभी भी पड़ी है, और मटर नहीं है, और ये चटनी, बढ़िया वाला खाना। तो खाना हम खा लिया। मम्मी खाना बहुत बढ़िया बनाई थी ना मम्मी? अच्छा बनाई थी ना? मेरी मम्मी खाना हमेशा ही अच्छा बनाती है, कुछ भी बनाती है अच्छा ही बनाती है। बाबू भी खाया, बाबू तो चावल और रायता खाया है और थोड़ी सी दाल। तो हो चुकी है शाम और हम लोग आए हैं अभी ऊपर। जैसे ही आज का ठंड, जैसे सुबह हो रही है वही दोपहर है, वही शाम है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत हुई और बूंदी पड़ी, बहुत तेज नहीं बारिश हुई, लेकिन कंटिन्यूसली बारिश होती गई जिसके कारण ठंड और बढ़ गई है। एली मस्ती में इधर उधर घूमते हुए, एली अपने भी नाच रही है, हमको भी नचा रही है चार तरफ। ओए कहाँ अब जाएगी? अब देखेगी, बाहर झाँकेगी नीचे के साइड कि कोई डॉगी मिल जाए, कोई बच्चा दिख जाए, तो बस स्टार्ट हो जाए गुर्राना। आसमान अभी तो बिल्कुल साफ है, बारिश अब नहीं होगी ऐसा लग रहा है। एली सुनेगी नहीं। तो आज ऐसा हुआ कि हम अपना व्लॉग अपलोड कर रहे थे, प्रीवियस डे का व्लॉग जब अपलोड कर रहे थे तो पूरा अपलोड कर दिए, फिर उसके बाद हम देखे भी नहीं कि उसमें कॉपीराइट क्लेम आया है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कभी आता नहीं था। आज तक इतने व्लॉग्स अपलोड किए कभी नहीं आया, तो हम निश्चिंत थे। फिर हम अपने चैनल के वीडियोज़ में गए, तो वहाँ पर जब फर्स्ट वीडियो था वो शेड्यूल था और उसमें देखे कॉपीराइट क्लेम। अब तो हम सोचे कॉपीराइट क्लेम आया तो कहाँ से आया, क्योंकि ऐसा ना हम किसी का म्यूज़िक यूज़ किए हैं, मेरे अकॉर्डिंग किसी का कंटेंट भी नहीं है, फ्रेश कंटेंट था मेरा, तो ऐसा आया कहाँ से क्लेम। फिर उसके बाद हम परेशान हो गए। फिर हम यूट्यूब स्टूडियो पे जाके जब उस पर क्लिक किए तो देखे कि हम एक म्यूज़िक यूज़ किए थे, वो अप्रॉक्स 4 or 5 seconds के लिए बस यूज़ किए थे, तो उसके कारण वो कॉपीराइट क्लेम आया। और वो जो म्यूज़िक यूज़ किए थे वो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक थी, क्योंकि हम उसको 3-4 बार पहले भी यूज़ कर चुके और मोर देन
3 to 4 times यूज़ कर चुके होंगे, बट फिर भी कॉपीराइट क्लेम आया। वो समझ ही नहीं आया कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। फिर हम वो वीडियो वहाँ से डिलीट किए। उसके बाद ये मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि हम वीडियो वो वाला पूरा डिलीट नहीं किए थे और उसके सारे क्लिप्स हम रखे हुए थे। तो फिर जो म्यूज़िक थी वो हम उसे चेंज किए, उसको रिप्लेस करके दूसरी यूट्यूब म्यूज़िक ही लगाए, तब जाके तो काम बना। और फाइनली फिर वो व्लॉग हम अपलोड किए और फिर उस टाइम कॉपीराइट कुछ क्लेम वगैरह कुछ नहीं आया। तो पहली बार कॉपीराइट क्लेम आया, ये बढ़िया प्लस पॉइंट था कि हम वीडियो रखे हुए थे। तो अगर आप भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो जब तक कि वो पब्लिक ना हो जाए और उस पर कोई इश्यू ना आए, आप एक बार चेक कर लीजिए क्लेम एंड ऑल, उसके बाद ही अपना वो वीडियो डिलीट किया कीजिए, वरना फिर प्रॉब्लम ऐसी फेस करनी पड़ती है। तो हम जा रहे हैं खाना खाने और रात का 10 बज रहा है 12 10 बज रहा है, 12 नहीं बज रहा है। और आज बस दिन भर यही सब हुआ और कुछ नहीं हुआ। जो भी व्लॉग में आप देखे बस यही हुआ, बाकी पूरा टाइम बैठे बैठे बीत गया। बारिश इतनी हो रही थी, इवन अभी भी बूंदी पड़ रही है और पूरी रोड भीगी हुई है, तो इससे ठंड आज ज़्यादा ही बढ़ गई है। ठंड तो डे बाई डे बढ़ ही रही है, नो डाउट। और अभी पता नहीं कितने दिन और पड़ेगी, वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग अभी 1 हफ्ते की ठंड और पड़ेगी, मीन्स 1 हफ्ते बारिश होगी। तो जब बारिश होगी तो उसके बाद ठंड बढ़ेगी। तो आ गए बाबू चिल्लाने, तो बेचारे हम खाना खाने, खाना दे ही खड़े हैं। चावल है, निमोला है, रोटी है। ए गंदी बात नहीं, ये गंदा बच्चा है, ये खुद जब हेलो गाइस नहीं करता है तो ये ऐसे ही शैतानी करता है। ओए तो आज के ब्लॉग को इसकी इसकी कोई इंस्टाग्राम आईडी बनाया था, इसके इसकी फ़ोटो थी, किसी की इंस्टाग्राम आईडी थी, इसकी फ़ोटो थी, वो आईडी हमें दिख गई। अब हम लोग परेशान हो गए क्योंकि वो प्राइवेट अकाउंट था, रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। इसकी फ़ोटो फिर उसके बाद 10 पोस्ट और था, तो लोगों को लगा कौन है, हम लोग तो इसको जानते ही नहीं है कि हमें से किसी में ऐड नहीं था। उसके बाद हम लोग बहुत पता किए, पता कुछ नहीं चला। बाद में हम उसको रिक्वेस्ट देते तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। जैसे एक्सेप्ट हुई तो देखे तो हम लोगों की एक स्टूडेंट है, वो उसकी आईडी थी, इसकी डीपी लगाई थी। तो हम लोग सोचे बाबू तो हमारा बहुत फेमस हो गया। तो आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।